गुड मॉर्निंग, मैं नरेश म्यूज वर्ल्ड पर आज एक बार फिर एक नया गेम लेकर VI खासकर पैरा गेम्स में और वो भी विजुअली इम्पेयर्ड जो हैं उनके लिए कबड्डी गेम ऑफ कबड्डी क्योंकि भारतीय खेल है, सभी को पता है, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, गांव में बहुत खेला जाता है। तो किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि जो ब्लाइंड हैं वो भी कबड्डी खेलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कबड्डी खेलते हैं और जो उनको गवर्न करती है बॉडी वो है इप्सा, इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, वो है जो कि कबड्डी को गवर्न करती है, कबड्डी की बोर्ड है और ये नेशनल्स में होती है, नेशनल्स में कबड्डी खेलते हैं। तो जो ब्लाइंड की टीम बनती है सेम कोर्ट पे खेलते हैं, लेकिन जो कोर्ट होता है जितनी भी लाइनें हैं उनके ऊपर मार्किंग होती है, एक उभरी हुई मार्किंग होती है, यानी कि टेप और या कोई हार्ड, थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक का ताकि चोट भी ना लगे, ऐसे सब्सटेंस लेके उसको पूरा डार्क कर दिया जाता है। डार्क मतलब उसे थोड़ा सा उभार दिया जाता है कोर्ट से मैट पर जब खेलते हैं, ताकि जो B1 है उसको पता लग सके। इसमें सेम 7 प्लेयर्स एक टाइम में कोर्ट लेते हैं, जब तक 6 प्लेयर नहीं होंगे तब तक गेम शुरू नहीं हो सकता। अगर प्लेयर्स की बात करें जो कंपोजिशन है वो B1 है 7 प्लेयर्स, एक टीम की बात कर रहा हूँ मैं अभी, और B2 5 प्लेयर्स यानी कि टोटल 12 प्लेयर्स, जिसमें से B1 में 7 में से 3 रिजर्व प्लेयर हैं और B2 में 5 में से 1 रिजर्व प्लेयर, जो 7 एट अ टाइम एक टाइम में जब कोर्ट लेना है गेम के लिए, कोर्ट में जब रहते हैं उसमें जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 4 B1 प्लेयर और 2 B2 और 3 B2 प्लेयर, 4 B1 प्लेयर और 3 B2 प्लेयर, यानी कि टोटल 7 प्लेयर हो गए। सेम रेडिंग होती है और सेम जो कैचिंग है वो भी सेम है। तो खासकर कॉम्बिनेशन है B1 और B2 के बीच एक बहुत अच्छा सामंजस्य चाहिए होता है, अलर्टनेस है, माइंड की अलर्टनेस है और साथ में वो फुर्तीलापन, ताकत तो चाहिए चाहिए जब आप कैच कर रहे हैं किसी को। कैचिंग के लिए जो ज़रूरी है वो है ग्रिप और आपके शरीर में स्ट्रेंथ, वो मेन है, और स्पीड। जो रेड मारने के लिए जब जाते हैं, रेड करने के लिए जब जाते हैं, उसमें ज़रूरी है, सबसे जो मेन है वो है स्पीड और रिएक्शन। बहुत जल्दी आपको रिएक्ट करना पड़ता है, अगर किसी को टच कर दिया या किसी ने आपको पकड़ने की कोशिश की तो आपको रिएक्ट करके अपने पाले में वापस आना होता है। सेम साउंड है कबड्डी कबड्डी कबड्डी। तो आज के बाद में अगर आपको कभी देखने का मौका मिले तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि देखिए कि जो ब्लाइंड हैं यानी कि जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो किस तरह से कबड्डी खेलते हैं, आपको उतना ही मज़ा आएगा, उतना ही आनंद आएगा जितना कि आप जो एक साइटेड हैं उनके गेम में देखते हैं, जो कबड्डी है, चाहे वो प्रो इंडिया, चाहे प्रो कबड्डी लीग हो या फिर हमारे जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो कबड्डी की, उतना ही मज़ा इसमें भी आएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट में सिर्फ B1 रह जाता है तो उस टाइम में बहुत देखने लायक होता है, क्योंकि वो बचने की कोशिश करता है, उसे ये भी पता है और सामने से आ रहा होता है, उसको चकमा दे जाता है, कई बार वो B2 को पकड़ भी लेता है। तो ये था कबड्डी, यानी कि और एक गेम जो कि VI खेल सकते हैं वो है कबड्डी। आशा करता हूँ कि आपको एक और गेम के बारे में पता लगा होगा और कुछ इनपुट्स मिले होंगे, जिनका इंटरेस्ट होगा वो आज से शुरू करेंगे और आगे भी मैं आपके बीच आता रहूँगा इसी तरह से अलग अलग गेम लेकर। तो देरी किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को म्यूज़ वर्ल्ड। थैंक यू।